हेलो फ्रेंड्स, एशिया कप 2022 के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों ने कर दी अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा, जहां टीम इंडिया को मिला है नया कप्तान। कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और दोनों ही टीमों की क्या होने वाली है प्लेइंग 11, साथ ही बताऊंगा इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर किया जाएगा, साथ ही बताऊंगा किस तारीख को और कितने बजे मैच शुरू हो जाएगा। सारी चीजें आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इंडिया जीते यह मुकाबला, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फ्रेंड, सबसे पहले आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं, एशिया कप 2022 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला 28 अगस्त 2022 को शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। इसका लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स या स्टार स्पोर्ट्स या मोबाइल पर आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वहीं बात करें दोनों ही टीमों की, प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और शाहीन आफरीदी चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो गाइस आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान प्लेइंग 11 पर। तो यहाँ हैदर अली, फकर जमान, बाबर आजम जो की टीम की कप्तानी करेंगे, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं, आसिफ अली, खुशदिल चाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर या हरीश राउत में से किसी एक को मौका मिलने वाला है। वहीं ऑलराउंडर के रूप में शादाब खान इस टीम में मौजूद है, जो कि वाइस कैप्टन की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं शाहीन आफरीदी की जगह मोहम्मद हनसैन को इस टीम में लिया गया है। वहीं तेज गेंदबाज के रूप में नसीम शाह इस टीम में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, वहीं बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो ओपनर के रूप में रोहित शर्मा और केएल राहुल, वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली, वहीं मिडिल ऑर्डर के रूप में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव देखने को मिलेंगे। वहीं फिनिशर्स के रूप में दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या हमें फिनिशर्स की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा इस टीम में मौजूद हैं। वहीं एक्सपीरियंस के रूप में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी इस टीम के पास हैं। वहीं बात करें एक और तेज गेंदबाज आवेश खान या अर्शदीप में से किसी एक को मौका मिलने वाला है टीम इंडिया में, आप भी कमेंट करके बताइए कि आवेश खान खेलेंगे या अर्शदीप सिंह, कौन जीतने वाला है एशिया कप का महामुकाबला, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।